सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिलों को पाने के लिए। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी, आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कैलकुलेशन के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से 50, 500 और 5000 के नजदीक वाली संख्याओं को वर्ग करना है। उसमें चूंकि वर्ग करने की बात है, मतलब दो बार गुणा, तो या तो संख्या इनसे बड़ी होगी और या तो संख्या इनसे छोटी होगी। लेकिन अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो उन्हें कैसे डील करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सारे सवाल 50 के आसपास हैं, ये सारे सवाल 500 के आसपास हैं और ये सारे सवाल 5000 के आसपास हैं। मतलब इसको समझा जा सकता है कि 50 का मतलब होता है 100 बटे 2 का मतलब होता है कितना, 50। क्योंकि गुणा हम कितने भागों में करते हैं, दो भागों में। अब अगर मैं देखूं तो ये 50 से कितना ज्यादा है, धन 2, और ये कितना ज्यादा है, धन 7। मतलब जब हम गुणा करेंगे 2×7 का, मतलब पूरा का पूरा मामला ये हो जाएगा 2×7। और इस तरफ की जब हम बात करते हैं तो 52 और 7 कितना, 59, या 57 और 2 कितना, 59। और 59 में चूंकि ये बटे 2 है इसलिए ये कितना हो जाएगा, बटे 2। अब इस तरफ का मामला तो बिल्कुल क्लियर, 2×7=14, चूंकि 100 में कितने 0 है, 2, तो यहां पर हमें 2 ही अंक लेने, मतलब इसका मामला तो क्लियर है कि ये 14। लेकिन जब मैं इसको भाग दूंगा तो 58 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 29। और अब चूंकि कितना बच जाएगा, 0.5। अगर मैं इसको अलग से देखूं तो 59/2 का मतलब होता है 29.5। 29 को मैं यहां पे रखूंगा और ये 5 जब उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 50, और धन कितना, 14। मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2964। ठीक ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है, धन 23, और ये कितना है, धन 18। एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, ये पूरा मामला कितना है, 1000/2 का, मतलब कितने का चल रहा है, ये 500 का। अब अगर मैं इसमें गुणा करूंगा, अंक कितने लेने हैं हमें, 3×18=54, 18×36=5=41, 3 ही अंक आ रहे हैं, 3 ही हमें लेने हैं। अब अगर मैं 523 में 18 को जोड़ू तो 23×8=41, 10×51, मतलब 551/2। अब 550 का आधा कितना होगा, 500 का आधा 250, 50 का आधा 25, मतलब 275। तो ये पूरा मामला हो जाएगा 275। अब जब इस तरफ जाएगा तो मुझे इसमें कितना जोड़ना है, 500, तो 275, 974, ये हमारे इस सवाल का जवाब है। ठीक है, एक प्रोसीजर यहां पर, 500 का 5000 का मतलब कितना होता है, 10000/2, मतलब 0 कितने आने चाहिए, अंक कितने आने चाहिए उस तरफ, 4, 4 अंक आने चाहिए। ये कितना है, धन 18, और ये कितना है, धन 13, 13×8=104, 13×1=13 और 10=23, लेकिन 2 ही अंक, 3 ही अंक आ रहे हैं इसलिए 0। अब अगर मैं इसमें 18 में 13 जोड़ूंगा तो 5031, 5000 का आधा कितना, 2500, 30 का आधा कितना, 15, मतलब 2515, और 5000 इधर चला जाएगा तो 2515, और इधर मुझे 5000 जोड़ देना है तो ये कितना हो जाएगा, 5234। ये हमारे इस सवाल का जवाब है। एक बात आपने देखी होगी, जो भी दशमलव बच रहा था तो ये 50 वाला मामला था इसलिए इस तरफ 50 गया, ये 500 वाला मामला था इसलिए इस तरफ 500 गया, ये 5000 वाला मामला था इसलिए इस तरफ कितना गया, 5000 गया। अब इसकी बात करें, ये तीनों कम है तो ये कितना कम है, अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी मैंने 100 के नजदीक ले लिया है, ये संख्या है कितनी है, ये संख्या है 43 और ये संख्या है 32। अब ये कितनी कम है हमारी, ये संख्या कितनी कम है इससे, 7 कम है, ये संख्या कितनी कम है, 18 कम है, 18×7 कितना होता है, 126, लेकिन 2 ही अंक लेने हैं इसलिए 26 और 1 हासिल में चला गया। 43 में 18 या 32 में 7 घटाएंगे कितना जाएगा, 25, और 25/2 कितना कर देना है, 2। मतलब इस तरफ एक चीज तो कंफर्म है कि ये कितना हो जाएगा, 12। अब 126 में जब मैं 50 जोड़ूंगा, 126 में 50 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 176। ये एक जो बचा तो ये पूरा मामला क्या है, 12×176, मतलब पूरा उत्तर हो जाएगा 13×176। इस वाले की बात कर लेते हैं, ये है ऋण 16 और ये कितना है, ऋण 22। 16 दुनी
32, 16 दूनी 32 और 3 35, 3 ही अंक चाहिए। 484 में अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये 2, ये 6, ये 4 और आधा कर देंगे तो 230 और 231 इस सवाल को देखते हैं। 4979, 4988 ये कितना कम है, 21 ये कितना कम है, 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24 से 25 कितना लग जाएगा, 0, 0 क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ कितने अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। अब अगर 479 में अगर मैं 12 को घटाऊं या इसमें इसको घटाऊं तो 8 में 1 गया 7, 8 में 2 चला गया 6, 4967। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये 4900 बार बार आएगा, 4900 का मतलब कितना होता है 2450, 2450। अब ये कितना है 67, 66 का आधा कितना होगा, 66 का आधा कितना होगा 33, 2450 और 33 मतलब कितना हो जाएगा 2483। और इधर जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5252, चूंकि ये जो 0.5 बच रहा था वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5000, ये कैंसर। इस वाले की बात कर लेते हैं। अब यहां पर आगे के जो 6 सवाल है इसमें आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, अब मामला धन और ऋण का है, मतलब हमें कुछ ना कुछ उधार देना है। इन सवालों को कैसे डील करते हैं आइए देखते हैं। 58 ये कितना है धन, 37 ये कितना है ऋण, 13, 13, 8, 104 लेकिन कैसा ऋणात्मक। अब ये वाला मामला 58 में 13 या 37 में 8 तो ये कितना 45 बटे कितना 2, 45 में यदि मैं 2 का भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं, ऋण 104 और धन कितना है 50 तो बचेगा कितना ऋण 54, चूंकि यहां का जो 0.5 था वो इधर चला गया। अब ये इधर से मैं 100 लूंगा और 100 में अगर मैं 54 घटाऊंगा तो बचेगा कितना 46, तो 2146। आगे की बात कर लेते हैं, ये कितना है ऋण 13 और ये कितना है धन 23, 13 3 39, 13 2 26 और 3 लेकिन काहे में ऋण, 483 87 में 87 और 3 90 और 20 110 मतलब ये कितना हो जाएगा 510 बटे 2, 510 बटे 2 500 का आधा 250, 10 का आधा 5 मतलब ये कितना है 255 और कितना है ऋण 299। अब ध्यान दीजिएगा इस 5 में से अगर आप 1 निकालोगे तो 1000 निकलेगा, मतलब पूरा जो आंसर हो जाएगा 254, ये 300 से कम है तो बचेगा कितना 7 और 299 है मतलब 700। ये आप अपन नौवे की बात कर लेते हैं। इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो ये कितना है ऋण 27 और ये कितना है 11 लेकिन कौन सा धन, अगर इसको करेंगे तो 7 7 2 9 और 2 ऋण 257, इसको अगर मैं करूंगा तो 73 में 11 4 8 9 4 बटे कितना 2। बार बार मैं बोल रहा हूं 4900 का मतलब 2450 वो तो हमें पता ही है, 84 का मतलब कितना हो जाएगा 42 और 42 में 50 जोड़ोगे तो 92 मतलब पूरा मामला 2492 ऋण 297। लेकिन अब यहां पर हमें जो देखना है वो ये देखना है कि यहां से यदि आप 1000 लोगे तो यहां कितना जाएगा 10000 और ये 1000 से कम है, 1000 से कम है मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 2492, 10000 से कम तो 9000, 300 से कम है इसलिए 797 है इसलिए 703 और यही हमारा आंसर है। दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, ये मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको प्रैक्टिस करिए लेकिन ध्यान रखिएगा करते वक्त आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, इसी तरह 92 में 1 कम किया था इसलिए 91, इसी तरीके से आप लोगों को सवाल लगाने। अगर इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को लगातार अपडेट मिलती रहे और हमारे नए चैनल के माध्यम से आप अपनी बैंकिंग, एसएससी और अदर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएं। थैंक यू, जय हिंद।